हमारी शुरुआत इस ड्रैगन आइलैंड से हुई थी। हमारा काम क्या था, इस ड्रैगन के अंडे को सुरक्षित रखना, क्योंकि ये जो अंडा है ये बहुत ज्यादा कीमती है। ये एक ऐसे ड्रैगन का अंडा है जहाँ से एंडर ड्रैगन का रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है, बट ये अंडा बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा कीमती है, इसीलिए इसकी सिक्योरिटी में बहुत सारे मिनिएचर और कुछ ड्रैगन वॉरियर को रखा गया था। लेकिन किसी कारण से ये अंडा चोरी हो गया, क्योंकि ये अंडा बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके पीछे पड़े हुए कुछ काली शक्तियां। इस अंडे को चुराने का काम कोई नॉर्मल सर्वाइवल नहीं कर सकता, क्योंकि यहां से वो हवा में से भी नहीं आ सकता है, क्योंकि हवा में उड़ रहे हैं बहुत सारे खतरनाक ड्रैगन और इसके सरफेस पे कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जो कि किसी भी नॉर्मल सर्वाइवल को नहीं टिकने दे सकते भाई। तो ये काम किसी काली शक्ति का हो सकता है और इस एपिसोड में आप उसे ही देखने वाले हो। वीडियो के एंड तक टिके रहना भाई, बहुत ही खतरनाक चीज देखने को मिलेगी आपको। पूरा का पूरा ट्विस्ट आने वाला है भाई इस सीरीज में। ये उस ड्रैगन को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है भाई। लेकिन एज ए ड्रैगन वॉरियर ये मैंने कर दिखाया भाई, क्योंकि मेरे पास कुछ फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज थी जिसकी वजह से मैं केओस ड्रैगन को मार पाया। बहुत लोगों ने ये बोला कि आप खुद एक ड्रैगन वॉरियर हो और आप ड्रैगन्स को ही हंट करते हो। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ड्रैगन वॉरियर हूं गाइज, मैं ड्रैगन से फाइट भी कर सकता हूं, क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे ड्रैगन भी है जो ड्रैगन वॉरियर को मारना चाहते हैं और उन ड्रैगन्स को कब्जे में किया हुआ है कुछ काली शक्तियों ने, क्योंकि वो ड्रैगन्स उनके इशारों पे नाचते हैं। और ड्रैगन ही नहीं, बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स भी है जो उन्होंने टेम करके रखे हुए हमसे फाइट करने के लिए। अब कहीं ना कहीं हम उनसे ताकतवर तो हैं, इसीलिए वो कुछ ड्रैगन्स का सहारा लेना चाहते हैं हमें हराने के लिए, ताकि वो हमारे ड्रैगन वर्ल्ड पे कब्जा कर सके। अभी तक हमारे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा ड्रैगन नहीं था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन एक बार एंडर ड्रैगन ने एक ऐसा अंडा दिया था जिसकी वजह से भाई एंडर ड्रैगन की दुनिया में बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आ गया। यानी कि उसने एक केओस ड्रैगन का अंडा दिया था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल ड्रैगन है। कैसे ना कैसे करके एंडर ड्रैगन ने उस अंडे को बचा लिया भाई सर्वाइवर से। अब ये सर्वाइवर्स कौन है? ये सर्वाइवर्स गाइस ऐसे प्लेयर होते हैं जिनको काली शक्तियों के द्वारा एक ऐसा वर्ल्ड जनरेट करके भेजा जाता है जहां पे उनको एंडर ड्रैगन को हराना ही होता है, वरना उनका गेम कंप्लीट नहीं होता है। और सर्वाइवर सोचते कि वो गेम खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता गाइस। जब तक वो एंडर ड्रैगन को नहीं हराएंगे, जब तक उनको अंडा नहीं मिलता है और उनका गेम कंप्लीट नहीं होता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, एक बार एंडर ड्रैगन ने बहुत ही ज्यादा रेयर अंडा दिया था जो कि था केओस ड्रैगन का अंडा, जो कि हमारे आइलैंड पे सुरक्षित है। यही सोच के ब्लैक वर्ल्ड के एंटिटी सर्वाइवर्स को भेजते हैं, टेलीपोर्ट करते हैं एक ऐसे वर्ल्ड में जो कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है हर बारी एक अलग वर्ल्ड से। और वहां पे जब तक वो एंडर ड्रैगन को नहीं हरा लेते और वहां से वो अंडा उठा करके नहीं लाते, उनका गेम कंप्लीट नहीं होता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि भाई एंडर ड्रैगन का अंडा ज्यादातर यूजलेस ही होता है, वो जब तक यूजलेस है जब तक उनको केओस ड्रैगन का अंडा नहीं मिल जाता। बट काफी लंबे टाइम से ऐसा नहीं हो पा रहा है भाई, वो रेयर अंडा नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वो पुराने वाले रेयर अंडे के पीछे पड़े हुए हैं जो कि ड्रैगन आइलैंड पे सुरक्षित है, यानी कि ड्रैगन वॉरियर के आइलैंड पे। और हमारे आइलैंड पे उन्होंने हमला कर दिया है जिसमें कि वो केओस ड्रैगन का अंडा चोरी हो गया। मैं एज ए ड्रैगन वॉरियर चुना गया उस अंडे को ढूंढने के लिए। मैंने बहुत कोशिश करी केओस ड्रैगन के अंडे को लेने की, बट मैं नहीं ले पाया भाई। और बस मेरे पास 100 डेज ही थे उस केओस ड्रैगन के अंडे को ढूंढने के लिए। उसके बाद वो अंडा हैच हो जाता और ब्लैक एंटिटीज का टेम हो जाता, यानी कि उनका पालतू ड्रैगन। और ऐसा हो भी गया था, इसीलिए मुझे बहुत ड्रैगन वॉरियर ने एक टाइम मशीन के थ्रू पास्ट में भेजा ताकि मैं वो केओस ड्रैगन का अंडा वहां से उठा सकूं और वापस से अपने आइलैंड पे सुरक्षित रख सकूं। और ऐसा करने में मैं कामयाब हो गया था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जो कि अनएक्सपेक्टेड था। यानी कि शुरू से ही जब मैं डाइमेंशनल्स में ट्रेवल कर रहा था अपनी टाइम मशीन के थ्रू, मेरे पे किसी ने नजर रखी हुई थी। अब मुझे नहीं पता वो कौन था। किसी ने मुझ पे नजर रखी हुई थी, स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती, स्टोरी तो अब यहाँ से शुरू होती है। मैं बस टेलीपोर्ट होके अपने वर्ल्ड में एंटर हुआ ही था कि अचानक मैंने देखा कि पीछे से मेरा कोई एक फ्रेंड आ रहा है जो कि वो भी एक ड्रैगन वॉरियर है। उसका नाम है चिनमे और इसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ पावर, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रैगन है। तो इसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन किया भाई, क्योंकि मैं बहुत ही पावरफुल ड्रैगन को हरा के अंडा लेकर के आया था, यानी कि केओस ड्रैगन का। और खाने में उसने मुझे थोड़ा बहुत ब्रेड्स भी दिए भाई, क्योंकि मैं काफी टाइम से भाई भूखा था, क्योंकि टाइम ट्रेवल के दौरान हमारा
सारा ही सामान भाई चला जाता है सिवाय उस प्रीशियस चीज के जिसको हम लेने गए थे। तो हम ऐसी थोड़ी बहुत बातें करने लगे कि भाई किस तरीके से मैंने केओस ड्रैगन को हराया, किस तरीके से मैंने फ्यूचर इस चीजों का सहारा लिया था उसको हराने के लिए। बट अचानक वही एंटिटी जो हर एक डायमेंशन में मेरा पीछा कर रहा था वो इस वाले वर्ल्ड में भी मेरे पीछे तक आ गया था और उसको बस एक अच्छे मौके की तलाश थी। और वो मौका क्या था? वो मौका देखने से पहले भाई एक और ड्रैगन वॉरियर आ गया मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए। उससे मैंने थोड़ी बहुत बातें बातें करी भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये ड्रैगन वॉरियर। मुझे लगा चिन्मे का दोस्त होगा ये, उसने मेरे को खाने वाने के लिए चीजें भी दी भाई। तो वो बोलने लगे कि मुझे भी अंडा दिखाओ भाई कैसा होता है केओस ड्रैगन का अंडा, क्योंकि उसने नहीं देखा था अभी तक इस अंडे को। और वैसे ही मैंने उसको भी अंडा दिखाया भाई, उसने मेरे को खाने वाने के लिए चीजें भी दी। लेकिन मैं एक चीज नोटिस नहीं कर पा रहा था जो कि चिन्मे ने मुझे बोली भाई, कि जैसे हमारे कैरेक्टर के ऊपर कुछ नाम आ रहा है, जैसे मैं 4x4 गेमिंग और ये चिन्मे, लेकिन इस वाले ड्रैगन वॉरियर के ऊपर नाम नहीं आ रहा था। तो जैसे मैंने पूछा चिन्मे क्या ये तेरा दोस्त है, तो चिन्मे ने तो भाई कुछ जवाब ही नहीं दिया और अचानक से उसने अपना रूप बदला और वो अंडा लेकर के टेलीपोर्ट हो गया। अरे ये मैं कहाँ टेलीपोर्ट हो गया? अरे भाई ये क्या चीज है भाई, अब मैं कौन से वर्ल्ड में आ गया? ये कौन सा डायमेंशन है? क्या ये नॉर्मल वर्ल्ड है? क्या मुझे नॉर्मल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर दिया गया है? ओ भाई ये क्या यार, मेरे साथ क्या हो रहा है ये? तो यहाँ पे गाइस मुझे एक अलग वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर दिया गया है। और मुझे यहाँ किसने टेलीपोर्ट किया है, कौन था वो और ये वर्ल्ड क्या है? क्या मैं एक सर्वाइवर बन चुका हूँ? क्या अब मैं ड्रैगन वॉरियर नहीं रहा? भाई ये तो आप लोगों को वीडियो के एंड में पता चलेगा कि मैं यहाँ आया कैसे। बट अभी मुझे यहाँ पे सर्वाइव करना है भाई, और कैसे भी करके यहाँ से निकलना है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भाई केओस ड्रैगन का अंडा फिर से चोरी हो गया है, तो चलो भाई इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं और जरा सर्वाइव करते हैं और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पे टेलीपोर्ट होते के साथ ही एक शिपरैक मिल गया था जिसके अंदर चेस्ट होता है, सभी को पता है भाई ये वाला वर्ल्ड थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। ओके मुझे यहाँ पे एक पिकेक्स मिला, तो यहाँ की सभी चीजें डिफरेंट होने वाले गाइस, यानी कि इस वर्ल्ड की। और दूसरे चेस्ट में तो भाई मेरे को खजाना इतना तगड़ा मिला कि क्या ही बताऊं। मुझे एक ट्राइडेंट और बूट मिले जिसपे बहुत ही अच्छी इंचेंटमेंट थी, बट मैं भूल गया था भाई ये वर्ल्ड भी मेरा हार्डकोर में है, मतलब यहाँ पे मुझे एक ही लाइफ मिली है और यहाँ पे मुझे मल्टीपल लाइफ नहीं मिलेगी क्योंकि ये सर्वाइवल वर्ल्ड है भाई, ये कोई ड्रैगन वॉरियर का वर्ल्ड नहीं है। मुझे ये शिपरैक और लूट को देख करके तो भाई एक ही चीज का पता चलता है कि मैं कुछ पुरानी जगह पे आ गया हूँ और पुराने जमाने में एंडर ड्रैगन बड़े डिफरेंट होते थे और मुझे भी भाई अब यही करना पड़ेगा क्योंकि मैं ड्रैगन वॉरियर नहीं हूँ। लेकिन मुझे पता है कि एंडर ड्रैगन का अंडा किस तरीके से हैच होता है, मतलब उससे मैं एक ड्रैगन निकाल सकता हूँ अपने लिए यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। मैं ड्रैगन वॉरियर तो नहीं हूँ लेकिन इतना मुझे आता है। जैसे मैंने बूट पहना तो भाई मेरे को एक्स्ट्रा हार्ट मिल गए, तो ये चीज बहुत बढ़िया थी यार, बूट में एक अलग ही एन्चेंटमेंट थी। तो मैंने सोचा थोड़ा आगे की तरफ चला जाए और आगे देखता हूँ मैं भाई एक मिस्टीरियस सा किला, मतलब मिस्टीरियस किला था, पता नहीं क्या था ये, अजीब ही था लेकिन बहुत सही लग रहा था देखने में। चलो इसको एक्सप्लोर किया जाए। तो वहां जाने से पहले भाई मेरे को पानी में बहुत ही बढ़िया चीज दिखी, यानी कि एक रुइन पोर्टल, पता नहीं रुइन पोर्टल था या क्या था ये। यहाँ पे एक चेस्ट थी जिसके अंदर मेरे को भाई चेस्ट प्लेट और लेगिंग मिल गई और एक पिकेक्स भी मिल गई हुई के साथ, तो ये भी बहुत ही अच्छी इंचेंटमेंट के साथ थी। इनमें थ्रोन डला हुआ था और भाई मेरा तो आर्मर का जुगाड़ धीरे धीरे हो ही रहा था। तो यहाँ पे मैंने देखा एक गोल्डन का ब्लॉक था, तो सोचा इसको भी ले लिया जाए भाई। उसके बाद में इसके नजदीक काफी पहुंच गया, मुझे लगा खिड़की में से कोई देख रहा भाई, लेकिन वो बुश टाइप था कुछ, तो ये कुछ स्कैरी सा लग रहा है यार, मतलब नॉर्मल कार्सल वगैरह ऐसे नहीं होते हैं। और वो देखो भाई किलर वेल और वेल का संगम, क्या मस्त लग रहा है यार। ये वर्ल्ड बहुत ही प्यारा भी है और बहुत मिस्टीरियस भी है, या मैजिकल कह लो, पता नहीं, ऐसी चीजें मैंने पहले कभी नहीं देखी माइनक्राफ्ट में। तो चलो भाई इसको थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए, क्या पता यहाँ से अपने को अच्छा खजाना मिल जाए या हम मर भी सकते हैं भाई, इस चीज का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कभी मेरा मिशन पूरा फेल हो जाए। फिलहाल ट्राइडेंट से तो ये भाई नहीं टूटने वाले क्योंकि सोर्ड से टूट सकते हैं। तो मुझे एक ये कुछ अजीब सा दिखा यार, ये दरवाजा तो था लेकिन यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी जमी हुई थी,
तो मैंने देखा भाई ये कोई ट्रैप वगैरह ना हो, मैं बहुत ही सेफली इसको पार कर रहा था। अंदर देखा मैंने बहुत सारी भाई मकड़ियां वगैरह थी और यहाँ पे कुछ एक चेस्ट जैसा लग रहा था, तो मैंने इसको खोदा। मुझे लगा भाई ये चेस्ट ही हो सकता है, बट भाई ट्रैप भी हो सकता है। और इसको खोलते के साथ ही वाह भाई, मुझे डायमंड का हेलमेट और एक शवल और एक चेस्ट प्लेट मिल गया आयरन का, तो ये एक बहुत ही सही चीज है। और इसमें एन्चेंटमेंट भी अच्छी खासी है भाई। उसके बाद मैंने इस जगह का भाई गेट ढूंढा और मैं इस गेट से अंदर जाने वाला हूँ भाई, देखने वाला हूँ क्या है इसके अंदर। तो ये भाई एक ट्रैप, पता नहीं क्या गिफ्ट था, ट्रैप था, ट्रैप है ये। इसके अंदर एक बोन निकला भाई, ये अजीब चीज है, मैंने पहली बार देखा यार माइनक्राफ्ट में ऐसा। फिलहाल रात भी होने वाली थी, क्या पता मुझे अंदर बैड मिल जाए, बट भाई ये खतरा भी हो सकता है, तो मुझे देख देख के अंदर कदम रखने होंगे। फिलहाल यहाँ पे कोई स्पाइडर वगैरह कुछ भी नहीं थी, जैसे कि आवाजें आ रही हैं, शायद वो बेसमेंट में है। तो बेसमेंट में तो भाई मैं अभी नहीं जाने वाला हूँ, मैं इसको एक्सप्लोर करने वाला हूँ, देखने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या मिल सकता है मेरे काम का। तो फिलहाल ये सीट, अच्छा ये बेड जैसा लग रहा था, बट भाई ये सोफा है, यहाँ पे नहीं जाना हमें। मैं ऊपर वगैरह देखने वाला हूँ इसमें, बाकी इसमें भाई बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें हैं, जैसे कि ये चिन्मी देखो, ये चिन्मी कम और एक सीक्रेट रास्ता जरूर लग रहा है ऊपर जाने का। तो चलो ऊपर चल के देखते क्या मिलता है। भाई ये घर सच में मिस्टीरियस बनता जा रहा है भाई। बाकी यहाँ पे एक बिल्ली की आवाज आ रही है, पता नहीं किसका घर है भाई। यहाँ पे कुर्सी वुर्सी, किताबें वगैरह, और यहाँ पे कुछ खजाने के चेस्टे भी हैं। चलो इसको फटाफट से लूट लेते हैं भाई, इस पूरी जगह को, और देखते हैं अपने को क्या क्या मिल सकता है यहाँ पे और भी। और यहाँ पे मुझे एक नाइट विजन की एन्चेंटमेंट भी मिल गई भाई, मैं कितना लकी हूँ यार। मैं इसको अपने हेलमेट में लगा सकता हूँ तो मेरे को नाइट विजन मिल जाएगा। मैं काफी सारा खजाना इस घर से लूट चुका हूँ भाई, और अचानक मेरे को यहाँ से बाहर जाते वक्त एक गोस्ट दिखा, जो कि मुझे कुछ नहीं कह रहा था, मतलब ये पैसिव गोस्ट है। तो भाई क्या ये भूतों की नगरी है, क्या ये भूतों का घर है? आई डोंट नो गाइस, ये वैसे मेरे को घर भी भूतिया जैसा ही लग रहा है। तो चलो भाई यहाँ से निकला जाए, अब काफी सारा सामान मैंने लूट लिया यहाँ से। अब गाइस बारी आ गई है थोड़े बहुत टूल्स बनाने की, मतलब टूल्स नहीं कह सकते, एक क्राफ्टिंग टेबल बनाने वाला हूँ मैं, और एक एनविल बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास काफी सारा आयरन हो गया है। और उस एनविल से सबसे पहले मैं अपने हेड वाली जो हेलमेट है ना, उसके अंदर नाइट विजन का एन्चेंटमेंट लगाने वाला हूँ, ताकि मेरे को नाइट में भी अच्छे से दिख सके भाई। तो एनविल बन चुका है, एन्चेंटमेंट भी लग चुकी है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा एन्चेंटमेंट थी फॉर्चून की, जो कि मुझे यहाँ अंदर ही मिली थी, वो मैंने लगा लिया भाई अपने आयरन के पिकेक्स पे। अब यहाँ से भाई सामान उठा करके निकलते हैं और अपने लिए एक सुरक्षित सी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे मैं अपना घर बना सकूं। और जब से भाई मैंने अवतार मूवी देखी है ना, मुझे ये वेल्स बिल्कुल टुनकुन जैसी लगती हैं भाई, ऐसा लगता है ये मुझसे बात कर रही हैं, मतलब ऐसा ऐसा भाई है तो ये उनके रिश्तेदारी। टुनकुन, अवतार मूवी, जिस जिसने देखी होगी वो समझ गया होगा। फिलहाल मैं यहाँ से बहुत सारा कोल निकालने वाला हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कोल है और मेरी पिकेक्स में फॉर्चून भी लगा हुआ है। और आसपास से थोड़े बहुत पेड़ वेड़ भी इकट्ठा कर लेता हूँ भाई, क्योंकि अब मुझे चेस्टे वेस्टे बना के ना यहीं आसपास रहने का जुगाड़ बनाना होगा, क्योंकि ये जगह बहुत सही है। यहाँ पे ना पहाड़ के ऊपर ही माइनिंग हो जाती है, कोल वोल आयरन वायरन मेरे को चाहिए होता है तो। और पास ही में जंगल भी है और समुद्र भी है, मतलब आसपास सब कुछ है मेरे, तो ये एक बेस्ट लोकेशन हो सकती है। सो गाइस काफी सारी माइनिंग मैंने कर ली है यहाँ पे भाई, और मुझे कुछ अजीब अजीब से जेम्स भी मिले हैं, मतलब क्रिस्टल टाइप। मैंने सोचा भाई स्मिथिंग टेबल से क्या पता ये कहीं पर अटैच हो जाए, बट भाई ये कुछ अलग ही चीज है, इनमें प्योरिटी वगैरह है, पता नहीं क्या चीज है भाई ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा भाई ये किस तरीके के जैम्स है, क्या ये कोई खजाने की चीज है। फिलहाल मैंने अपना सेटअप लगा लिया है भाई यहाँ पे रहने के लिए। तो गाइस यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत ब्लॉक इकट्ठे कर लिए हैं, जिसमें मेरे पास कोबल स्टोन और ओक प्लैंक है, तो यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ भाई थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत यहाँ पे मैंने पकाने के लिए भी रख दिए, ताकि मैं इनसे ब्रिक्स वगैरह बना सकूं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हम बना लेते हैं थोड़ी बहुत स्टेयर्स, थोड़ी स्लैब्स बना लेते हैं और थोड़ी सी वॉल बना लेते हैं। और हाँ, ये वाले स्टेयर्स तो भूलने नहीं है भाई मुझे, कोबलस्टोन वाले। तो चलो गाइस घर बनाना शुरू करते हैं। अब मुझे थोड़े से और बुड इकट्ठा करने होंगे। ओके, मैं ये ब्लैक वाला भी ले सकता हूँ वैसे, चलो मैं ये वाला ले लेता हूँ यार, अपना सिंपल ओक ही ले लेते हैं भाई। ओके गाइस, तो भाई यहाँ पे मेरे पास इनफ वुड हो चुकी है, और भाई मेरी वुड जो है कई बार टूट गई, चलो कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारा मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। तो अब भाई एक छोटा सा घर बनाना है मुझे अपने लिए यहाँ पे, जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ। फिलहाल मैं जो इस घर की दीवारें बनाने वाला हूँ भाई, वो ओक से बनाने वाला हूँ, और मैं इसका जो फ्रंट एरिया रखूंगा वो 9x9 का रखने वाला हूँ। तो चलो भाई इस घर को बनाना शुरू कर लेते हैं।
ओके गाइस, तो भाई यहाँ पे मेरा घर ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है और ये वॉन्डरिंग ट्रेडर भी आ गया है यहाँ पे, जिसके पास बाजार मैप। भाई यहाँ पे बाजार भी है क्या? आई डोंट नो गाइस, मैं कौन से वर्ल्ड में आ गया हूँ भाई, यहाँ पे बाजार भी है। फिलहाल गाइस मेरे को अपनी इन्वेंटरी में से भाई फालतू की चीजें निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल हो गया है मेरे पास और ग्लास भी हमारा बन के रेडी है। तो चलो गाइस यार अभी सो जाते हैं और अभी मैं भाई नए घर में जाके सोने वाला हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे ये वेल भाई आवाज निकालती रहती है। ओके भाई, तो ये स्क्विड का हंट करती है। चल कोई ना गाइस, अभी घर के अंदर चलते हैं। हमारा पहला घर भाई, मतलब अपन नए घर में सोने वाले हैं आज, और मैं बीचों बीच लगाने वाला हूँ ये बेड और सो जाते हैं भाई, और अगले दिन उठते हैं और तैयारी करते हैं कुछ एडवेंचर की। फिलहाल गाइस मैं फटाफट से सामान भी उठा करके लाने वाला हूँ। और यार देखो, मेरे को नहीं लगता यार मेरे इस पे से मैं कुछ खरीदूंगा, क्योंकि ये बाजार मैप तो मेरे को सही लग रहा है, लेकिन अभी मेरे पास एमराल्ड वगैरह कुछ भी नहीं है भाई। तो चेस्टों को तो भाई मैं यहाँ रखने वाला हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे भाई मेरा सारा ही सामान आ गया है। अब इस सामान को लगा देता हूँ बढ़िया तरीके से। लेट्स गो बॉयज। अब भाई इस घर को थोड़ा डेकोरेट करना है, जो कि मैं बाद में करूंगा। फिलहाल मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना है कैसे भी करके, क्योंकि मुझे यहाँ पे सरवाइव करने के लिए ना एक ड्रैगन चाहिए होगा, और एज ए ड्रैगन वॉरियर मुझे पता है कि भाई मैं किस तरीके से एंडर ड्रैगन का अंडा हैच कर सकता हूँ। यार ऐसा लग रहा है जैसे कि हिस्ट्री दोहराई जा रही है वापस से। पिछले टाइम में मैं ड्रैगन वॉरियर था और अब मुझे ही सर्वाइवल बनाकर भेज दिया गया है। तो भाई ये क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये वर्ल्ड इतना ज्यादा अजीब क्यों है? क्या गाइस मैं एंडर ड्रैगन को ढूंढ पाऊंगा? और यहाँ का एंडर ड्रैगन सच में बहुत ज्यादा अलग होने वाला है। फिलहाल अभी आप लोग ये देखो कि वो अंडा चुराने वाला था कौन और उसको किसने भेजा था। और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो जल्दी से जल्दी 20,000 लाइक कर दो एक ही दिन में, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके पास आ जाएगा बिना किसी डिले के। एंड आई नो यार ये वाला वीडियो बहुत लेट आया, बट अगला वीडियो जल्दी चाहिए तो यार फटाफट से लाइक कर दो और कमेंट भी कर देना बहुत सारे कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा बढ़िया लगा और आगे क्या होने वाला है, ये भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो भाई। यार जिन भी लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दो भाई, 20,000 लाइक्स हो जाने चाहिए। एंड मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट, एंड एज ऑलवेज चाओ चाओ।